दीक्षा वर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। तो वक्त हो चला इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर डालने का, तो चलिए सीधा नजर डालते हैं। अयोध्या में इंडिया 24/7 लाइव टीवी की खबर का हुआ असर। अयोध्या में अब नहीं बनेगा मंदिर के समीप शौचालय, ग्रामीणों की मुहिम रंग लाई है। मालूम हो कि ग्राम प्रधान की दबंगई से मंदिर के समीप सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवा रहा था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड विकास अधिकारी बीकापुर तहसील प्रशासन को मौके पर पहुंचकर जांच कर आख्या मांगी, जिसके बाद जिला प्रशासन के आदेश पर तत्काल मौके पर पहुंचे बीकापुर SDM CO व कोतवाली प्रभारी मौके पर पहुंचकर प्राचीन हनुमान मंदिर के नजदीक बन रहे शौचालय को रोककर दूसरी जगह तत्काल राजस्व कर्मियों को चिन्हित कर बनाने का आदेश दिया। तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने भी सत्याग्रह की चेतावनी दी है। ये पूरा मामला बीकापुर तहसील के शिवतर गाँव का बताया जा रहा है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सोनू यादव की रिपोर्ट। ये ग्राम सभा सूत्र में एक प्राचीन मंदिर के बगल में शौचालय निर्माण हो रहा था, सामुदायिक शौचालय जिसको लेकर विरोध था। उसी क्रम में मैं अपने क्षेत्राधिकारी बीकापुर के साथ यहाँ स्थलीय निरीक्षण में आया और यहाँ पर एक अलग खड़ंजे के बगल में सरकारी जमीन चिन्हित की गई, जिसमें बगल में पूर्व से ही एक शौचालय बना हुआ है। उसको जो है चिन्हित करके अब वहीं पर शौचालय बनाया जाएगा। इसमें सभी पक्षों की सहमति थी और उसी पे ये निर्णय लिया गया है। अब इसमें कोई विवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील के सिंगाही थाना क्षेत्र में जौरहा नदी की नाव को लेखपाल व मौके पर पहुंचे तहसीलदार के द्वारा रस्सा खुलवाकर किसी को भी नाव से नदी ना पार करने के लिए मना किया गया और इस रास्ते को बंद करवा दिया गया, जिससे मांझा क्षेत्र के कई गांव से सिगही जाने वाला एकमात्र रास्ता नाव है। दूसरा रास्ता बेलदाया होकर जो कि 25 से 30 किलोमीटर एक तरफ से है, जबकि सिंगाही के पड़ोस में बसे मांझा, चौगुरजी, भैरमपुर आदि गांवों की दूरी महज 3 से 4 किलोमीटर है, जिसके कारण क्षेत्र व गांव के लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं, जिससे काफी जोखिम भी है। क्षेत्र के लोगों की दशकों से पुल के निर्माण की मांग होती रही है, वहीं कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि केवल वादे ही किए जाते हैं जो कि प्रशासन ने बंद कर दिया, जिससे गांव वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामवासियों की बात जब मीडिया से हुई तो गांव वालों ने बताया कि मांझा से सिंगाही तक जाने का एकमात्र सहारा नाव ही है, जिसके माध्यम से लोग अपने रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे दवा, खाने पीने की सामग्री सिंगाही बाजार से लाते थे। उक्त नाव को प्रशासन ने बंद कर दिया है, जिससे क्षेत्र के लोग काफी परेशान है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट। यहाँ हम लोग लकड़ी का पुल बनाते हैं, हर साल बनाया करते हैं, पानी आता चला जाता है, उसके बाद हम लोग छोटी मोटी नाव बना के चलाते हैं। अब की हमको अधिकारियों ने वो भी मना कर दिया, लेखपाल साहब आए, उन्होंने कहा कि नाव बंद कर दो, ये नाव डूब जाएगी, मर जाएगा, कौन जिम्मेदार है? तो सर बंद कर दिया गया, हम निकलने को परेशान हैं, कहाँ निकलें, कहाँ चले जाएँ बताइए। इसके लिए हमको कोई व्यवस्था, कोई हमारी सुविधा है या नहीं है, इसी बात की हम परेशानी, हमको और कोई परेशानी नहीं है। अब कह रहे थे कि अगर नहीं बंद करोगे तो हम पुलिस भेज देंगे। बंद करवा दिया गया? तो बंद करवा दिया गया, बिल्कुल जाम पड़े हैं और इधर के उधर आदमी बैठे हैं दोनों बार से, कोई निकलने का रास्ता नहीं है। हमको कोई समस्या मिलनी चाहिए, हमारी सुनाई होनी चाहिए। अब कहाँ जा रहे हैं? दवाई लेने। कहाँ दवाई लेने जा रहे हैं? हसन। अच्छा, क्या हुआ, आप क्या समस्या है आपकी? समस्या है यहाँ नाव नहीं होने पार नहीं देते हैं, लेखपाल जी बंद कर दिया। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं नाव पार करोगे तो पुलिस बुला लेंगे। अच्छा, नाव को बंद कर दिया गया? बंद कर दिया। अब आप कैसे जाएंगे दवाई लेने? कैसे जाएंगे, घर घूम जाएंगे, अपन तो बलान से जाएंगे घूम के, मर जाएगा जिम्मेदार वो होंगे। अब वो पार नहीं जाने देते हैं तो क्या करें। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।